एमपी के हरदा में 2023 के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की कमी ढूंढने और आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। आज कांग्रेस के युवा नेता ने कृषि मंत्री कमल पटेल के परिवार पर बिजली विभाग के लाखों रुपए बकाया होने और बिजली विभाग पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। हरदा मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और कृषि मंत्री कमल पटेल के परिवार पर हरदा नगर के कांग्रेस के युवा नेता मनीष शर्मा ने आरोप लगाया है कि कमल पटेल के पिता हरनाथ पटेल, कमल पटेल की पत्नी रेखा कमल पटेल, पुत्र संदीप पटेल और सुदीप पटेल के नाम से विद्युत कनेक्शन है, जिसका बिजली बिल 3,13,582 रुपये बाकी है, जिसे वे माफ़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आम जनता और किसानों का 5,000 से ज़्यादा बिजली बिल बकाया होने पर विद्युत विभाग कनेक्शन काट देता है और बिल ना जमा करने की स्थिति में कुर्की की कार्यवाही तक कर देता है। लेकिन मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के परिवार पर लाखों रुपए बकाया होने के बाद भी विभाग द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे प्रतीत होता है कि विभाग भी मंत्री जी के दबाव में आम जनता और किसानों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है। देखिए, कमल पटेल हमारे यहाँ जो मंत्री है, उनके परिवार के ऊपर 3,13,582 रुपये का बिजली का बिल बाकी है, और आपने देखा है प्रूफ सहित बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं और उनके ऊपर है। जबकि आम जनता के ऊपर 5,000 का बिल है तो उसकी कुड़की निकाल देते हैं ये लोग, मोटरसाइकिलें उठा ले जा रहे हैं एमपीवी वाले और परेशान कर रहे हैं, कनेक्शन काट जा रहे हैं। मनीष बाबू जी, क्या बिजली बिल को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल पर आपने आरोप लगाए हैं? आरोप ये है कि विगत 2 साल से विद्युत विभाग द्वारा जो है किसानों पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। वो माननीय श्री कमल जी पटेल जो है वो इस कृषि मंत्री हैं और यहाँ के विधायक भी हैं, तो जब किसानों पर 20,000 रुपये बकाया राशि पर कुर्की की कार्रवाई हो रही है, उनकी सामग्री कुर्क की जा रही है, और वहीं एक तरफ मंत्री जी के परिवार पर 3 लाख से ऊपर का जो है बिल बकाया है, और विभाग जो है वो डर के मारे इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा, और इनका जो है इनको आचरण के हिसाब से उदाहरण देना चाहिए। चूंकि ये कृषि मंत्री हैं, या तो किसानों की कुर्की बंद करें या फिर अपने घर का भी बकाया जो है वो जमा करें। ये इस प्रकार से ये जो है कृषि मंत्री हैं, इनको किसानों की चिंता नहीं है, और दुर्भाग्य की बात ये है कि कई किसानों के पास तो कुर्की में सामान भी जब्त नहीं हुआ, तो ये स्थिति जो है किसानों की है। अब ये क्या है, ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि किसान की आय दोगुनी करेंगे हम, पर ये जो वर्तमान में स्थिति जो है वो अलग रहती है, कथनी और करनी में अंतर है। कितना बिजली बिल बकाया इनका? 3 लाख। इनके परिवार का जो है, इनके पुत्र जो बड़े पुत्र हैं संदीप पटेल, इनके ऊपर 74,672 रुपये का बकाया है। आरोप लगाया है कि आपने बिजली का बिल बकाया है, इसको लेके क्या कहना है? अरे, बिजली का बिल किस पे बकाया नहीं, लेकिन मेरे ऊपर कोई बिजली का बिल बकाया नहीं है। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा, कांग्रेस, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र प्रदेश के काम कर रही है, जो हरियाणा में रोज हम रोज उद्घाटन भूमि पूजन कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ही भूला गए हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।